सारे आखिया के है ना सिलिकॉन ज्यादा ना लाइए, ज्यादा तो लाइए नहीं। चलो कोई टावर रॉड हमारे सारे वॉशरूम में इंस्टॉल हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी रैपिंग हो रही है अभी। ये फैसल के टावर रॉड है। इस वाले वॉशरूम में थोड़ा सा मसला ये आ रहा था कि टावर रॉड लगाने की ऐसा जगह समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जगह को बंद नहीं थी। यहाँ पर भी नहीं आप लगा सकते, यहाँ पर कमोड आ जाता है, यहाँ पर शीशा आ जाना सामने, यहाँ पर निशे बनी हुई हैं, यहाँ पर शावर है, दरवाजे के पीछे लगाते हैं तो शावर का पानी टावल पे गिरेगा, तो फिर यही वाली जगह सिलेक्ट हुई है खिड़की के नीचे, क्योंकि यहाँ से अगर एक बंदा हाथ धो रहा है तो टावल यहाँ पर ही उसके करीब ही मौजूद होगा। ये हमारी फोल्डिंग आ गई है और फोल्डिंग को हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाहर जितना पेंट और रॉक वॉल रहती है उसके लिए। कल हमारा बाहर का काम शुरू हो जाएगा पेंट का, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हमारा काम कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। खिड़कियों के हमारे हैंडल अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए, उसकी वजह यह है कि ये जो आपको सपोर्ट्स नज़र आ रही हैं ये उन्होंने गलती से सेंटर में लगा ली थी, हैंडल भी सेंटर में लगने हैं, तो अभी हम लोग सपोर्ट्स को कटवाएंगे और फिर हमारे हैंडल इंस्टॉल होंगे। तो बंदे को हमने बुलाया जो कि ये वाली सपोर्ट्स को काटेगा और फिर हमारे जो है ना वो हैंडल इंस्टॉल होंगे, क्योंकि ये हैंडलों के रास्ते में आ रही थी सपोर्ट। यहाँ इस वाली खिड़की में तो ठीक लगे हुए हैं, इन्होंने साइड पे लगाई हुई दो सपोर्ट्स, तो कुछ खिड़कियों में उन्होंने सेंटर में लगा दी, तो इसको ठीक करवा रहे हैं आज हम लोग। हमारे किचन में जितनी भी एक्सेसरीज लगनी है वो आ चुकी हैं, तो आज ये किचन स्टार्ट कर देंगे और फिर दो दिन के बाद नीचे का किचन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। अभी इन्होंने का लेआउट किया है, आज जो है वो इसकी बुनियादों की लिए फिलिंग कर रहे हैं, शटरिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने। जितने भी हमारे गैस के पॉइंट लगे हुए हैं हम लोग इनको प्रेशर लगा के, तो गैस की जितनी भी पूरी लाइन घर में डली हुई उसको हम लोग साफ़ करवाएंगे। तो बाहर से इन्होंने खोलना स्टार्ट कर दिया, प्रेशर लगेगा मुमटी में और हम ये सारे वॉल खोल देंगे और सारी जो गैस की लाइन है उसमें जितना भी कचरा है पानी है वो निकल जाएगा। तो बाहर से इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं। ऊपर जो किचन वाले हैं वो आज लगे हुए अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, मार्बल की स्लैब्स उन्होंने रख दी हैं, तो ऊपर आप लोगों को जाकर दिखाते हैं कि कैसा लग रहा किचन।
बंद करें, फिर खोलें, पूरा बंद करें, नमाज बंद करें। ठीक हो गया, गैस की लाइन को चेक करने के लिए कंप्रेसर ने लगा दिया। अब यहाँ से प्रेशर छोड़ेंगे और सारी गैस की लाइनें, जितना पानी वगैरह कचरा वो क्लियर हो जाएगा सारा। इससे ये लगाने से पहले सारे गैस की जो नोजलें हम लोग ओपन कर देंगे। नहीं बांधती थी, चलो बांधे नहीं। नहीं नहीं बांध के करवाई हुई, लाना थी खोली। वॉल अभी हम लोग सारे बंद करने लगे हैं ताकि प्रेशर क्रिएट हो, और प्रेशर के साथ जो है वो पानी और कचरा सारा निकल जाए लाइनों में से। यहाँ वाला वाल खुला हुआ जिसकी वजह से प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा। ये आप देख सकते हैं गैस की लाइन में कितना पानी निकला है। इस वक्त मुमटी से हम लोगों ने वॉल खोला है और नीचे सारे वॉल बंद किए हुए हैं। इस तरह जो है वो गैस की लाइनें क्लियर हो जाएंगी आपकी, जो पानी कचरा है वो सब निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि नीचे भी सारा गीला हो चुका हुआ है। अब सारी लाइन क्लियर हो जाएगी। अब जब गैस हम लोग मीटर से खोलेंगे तो आसानी से गैस सारी लाइनों में आएगी। जहाँ जहाँ पे गैस की नोजें लगी हुई हैं वहाँ पर वाइट सीमेंट की फिलिंग हम लोग करवाएंगे, वरना ये थोड़े से लूज़ हैं पाइप, तो वाइट सीमेंट की फिलिंग के साथ ये हिलेंगे नहीं। जितनी भी नोजें लगी हैं, अब पानी नहीं निकल रहा, अब सिर्फ हवा निकल रही है। कंप्रेसर बोलता पे कौन ही दफा हो जाए, पर साड़ना चाहिए। नीचे वाले पोर्शन में कंप्रेसर लगा के अब जितनी भी गैस की लाइन है उसका पानी निकाल रहे हैं। बंद कर गैस का मीटर हम लोगों ने उतारा था प्रेशर लगाने के लिए, अब ये दोबारा से लगा दिया। अब इसको चेक कर रहे हैं गैस ओपन करके। यहाँ से आप देख सकते हैं कि गैस का मीटर कैसे चल रहा है। यहाँ पर अभी सारे गैस के पॉइंट हम लोगों ने अंदर से बंद कर दिए हैं, लेकिन नीचे वाला जो है वो खुला हुआ। यहाँ से गैस खोली भी हम। अब जो है ये ऊपर से वॉल खोल रहे हैं और फिर यहाँ से मीटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे के हम लोगों ने सारे वॉल बंद कर दिए, इस वजह से मीटर नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ से हमने इसको ओपन किया हुआ। अब जो ही वो ऊपर से खोलेंगे वॉल तो ये मीटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे वाले पोर्शन में तो गैस की कोई लीकेज नहीं है, ये हम पता लगा रहे थे। तो नीचे के सारे वॉल बंद कर दिए गए हैं, इस वजह से मीटर रुका हुआ यहाँ पे। अब ऊपर का जो ही खोलेंगे तो ये फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मीटर चलना स्टार्ट हो गया जो ही उन्होंने ऊपर वाली स्टोरी का वॉल खोला। तो अब जो ही ऊपर से भी वॉल बंद कर देंगे तो मीटर चलना बंद हो गया। तो इस तरह गैस की लीकेज का पता चल जाता है कि अगर किसी पोर्शन में गैस लीकेज हो तो मीटर चलता रहेगा वॉल बंद करने के बावजूद भी।